जय सियाराम, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। ये प्रसंग लंकिनी की सत्संग, पहली बार सत्संग का अनुभव करती हैं, हनुमान जी की संगत होती है जिसमें उन्होंने उनको बहुत आनंद आता है, और जो घटनाक्रम होता है उस घटनाक्रम को स्वामी जी ने बहुत सुंदर ढंग से इसमें संजोया है, तो सुनिए। मशक समान रूप कपिधारी, लंकहीं चले उसुमिरि नरहरि। नाम लंकिनी एक निसीचरी, नाम लंकिनी एक निसीचरी, सोका चले सी मोई निंदरी। जाने ही नहीं मरमु सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठी का एक माँ कपिहानी, मुठी का एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी धनमानी। तो क्या कह रहे हैं, हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप करके नगर में प्रवेश करने को चले, तो उस राक्षसी जो लंकिनी नाम की एक राक्षसी वहाँ पर पहरेदार थी, रात के समय उसका पहरा था, तो हनुमान जी उसकी निगरानी में आ गए, उनकी पकड़ में आ गए, और फिर वह बोले कि मुझे रात को बिना पूछे कहाँ जा रहे हो। जाने ही नहीं मरमु सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मेरा भेद तूने नहीं जाना, जहाँ तक जितने चोर हैं, अर्थात मेरा काम केवल चोरों को पकड़ना है, वे सब मेरे आहार हैं, मेरे ही शिकार हैं। तब हनुमान जी ने इतना सुनते ही एक जोर से एक गुस्सा मारा, जय श्री राम, और लंकिनी नीचे गिर गई। मुठी का एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धर्मनी। एक जोरदार मुक्का मारा, लंकिनी धराम नीचे गिर गई। और हनुमान जी ने इसके साथ में ही बोला कि तू चोर मुझे कह रही है, चोर तो तेरा स्वामी है जो मेरी माता सीता को चोरी करके लाया है, उसको खा पहले, फिर सत्य की बात करना मुझे। चोर और साहूकार की बात करना, सत्य और असत्य की बात करना, जो जिस चोर के यहाँ पे नौकरी करती हैं वो चोर हैं, और जो मैं चोर नहीं हूँ मुझे चोर कह रही हैं, तो इतनी बात और वो मुक्का पड़ा, और इन शब्दों को और मुक्के की मार दोनों को इतनी उसे आनंदमय आई, नीचे गिर गई, मुख से खून भी निकला। तो सुनिए। पुनी संभारी उठी सो लंका, पुनी संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ब्रह्म बर दीना, जब रावण ब्रह्म बर दीना, चल तबिरंची कहाँ मोई चीना। और उठ करके खड़ी होती हैं और क्या कहती हैं, वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर हनुमान जी के सामने खड़ी होगी। रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की पहचान बता दी थी, ये राक्षस लोग कैसे मारे जाएंगे, कैसे इनके राज्य का अंत होगा, ये मुझे ज्ञान ब्रह्मा जी ने दे चुके थे। तब क्या होता है सुनिए। और जब ये कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने वर दिया, अब सुनिए आगे। बिकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सुनी सी चर संघारे। तात मोरे अति पुण्य बहुता, तात मोरे अति पुण्य बहुता, देखे उनयन राम कर दूता।
और लंकिनी इतनी मन में प्रसन्न होती हैं, जीवन में पहली बार सत्संग का अनुभव होता है, पहली बार किसी ने उसको सत्य से परिचय कराया, वो हनुमान जी महाराज थे, कि जब तू किसी वानर के मारने से, कपि के मारे, का वानर का अर्थ समझना है वन में रहने वाले लोगों से लेना है, जब आदिवासी एक अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति जब सत्य के लिए संघर्ष करना प्रारंभ कर देगा, समझ लेना उस समय सत्य परास्त होगा, ये मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था। तो उसमें उस ज्ञान के समापवर्तन संस्कार होता है, उस समय लंकिनी को भी ये बात बता दी थी। राक्षसों का संहार होगा ऐसा जान लेना, जब आज भी भारत के अंदर जब अंतिम व्यक्ति जग जाएगा, सत्य को जान लेगा, असत्य के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, तब देवासुर संग्राम होगा, देवताओं और असुरों के बीच में संग्राम होगा, असुर परास्त होंगे 100%, क्योंकि उनकी नींव कमज़ोर है और सत्य की नींव बहुत मजबूत है। सत्य परेशान हो सकता है, हार नहीं सकता। जो धर्म के नियमों को नहीं मानता वह समाज का दुश्मन है, मानवता का दुश्मन है। तो फिर वो लंकिनी को पता लगा कि अंतिम, और उसने और भी कहा, मेरे बड़े पुण्य भाग हैं कि मैंने लोगों को जगते हुए देखा है, हनुमान जी महाराज ने उसको मारा है, पहली बार किसी ने किसी राक्षस के खिलाफ में आवाज़ उठाई हो, तो हनुमान जी महाराज थे जिन्होंने उस लंकिनी को एक मुक्का मारा और उसको सत्य से परिचय करा दिया। मगर सत्य से परिचय होने के बाद में व्यक्ति जब तुरंत सत्य के प्रति समर्पित हो जाए तो उसका पूरा जीवन सफल हो जाता है, और ये काम लंकिनी के साथ में हुआ है। गलत नहीं थी, मगर गलत लोगों की यहाँ पे नौकरी कर रही थी, वहाँ पे सेवा दे रही थी, वहाँ पे पहरादार थी वो। मगर जैसे ही उनको सत्य से परिचय हुआ, वो बहुत मन में गदगद हुई, क्या कह रही हैं, जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख पाई, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के दूत हनुमान जी महाराज के दर्शन कर रही हूँ मैं, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, भले ही मुझे मार पड़ी है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर मेरा सत्य से सामना हुआ है और मैं सत्य के सामने नतमस्तक हूँ। क्या कहती हैं सत्संग की महिमा, दो घड़ी की यह सत्संग है, उस घड़ी की सत्संग की महिमा के अंदर लंकिनी क्या शिक्षा देती हैं उसको समझिए। बहुत से कार्य गलत हो सकते हैं अपने हाथों से, मगर जब से सत्य का परिचय हो जाए तो समझ लेना उसी वक्त आप शरणागत हो जाना, वही राम की शरण में आना है, वही सत्य की शरण में आना है। सत्य नारायण है, सत्य ही ईश्वर है, और सत्य की शरण में आने वाले का कल्याण होता है। और लंकिनी क्या शिक्षा देती हैं समाज को, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धारिण तुलाइक अंग, तुलन ताई सखल मिली जो सुख लव सत्संग। कह रही हैं हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को एक तराजू में एक बाजू तोल दो, और दूसरी ओर सत्संग का एक छोटा सा क्षण ही रख दो वहाँ पे, वो सब सुख हैं वो सब निरर्थक हैं, और सत्संग एक लवलेस मात्र जो सत्संग है वह बहुत भारी पड़ेगी। ये लंकिनी हनुमान जी महाराज से कह रही हैं, पूरे समाज को दे रही हैं, जो बाय चांस भूल से गलतियाँ हो जाती हैं उनको माफ़ी करने के लिए ये लंकिनी का संदेश है। राक्षस उसे कहते हैं जो मांस मदिरा का भक्षण करते हैं, जीवों को मारते हैं, जिससे प्राणों की रक्षा करनी पड़े, वह राक्षस मनुस्मृति कहती है। ये मनुस्मृति का बहुत विरोध होता है, मैं मनुस्मृति ही बताता हूँ, इसीलिए विरोध होता है कि वह इन लोगों का खुलेआम बखान करती हैं, और इनकी जो छवि है उसको तुरंत बता देती हैं ये मनुस्मृति है, मगर शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा पहले। तो सत्संग की महिमा चल रही है, लंकिनी ने सत्संग की एक क्षण के सत्संग की महिमा बताई है, और क्या कहती हैं फिर हनुमान जी महाराज को, प्रभी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, प्रभी नगर कीजे सब काजा,
हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुदारी पकर मिताई, गरल सुदारी पकर मिताई, गोपद सिंधु या नल शीतलाई। क्या कहती हैं सुनिए। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, ये लंकिनी स्वयं आदेश देती हैं हनुमान जी महाराज को और छोड़ देती हैं रावण के प्रति वफादारी को, क्योंकि जब उनका सत्य से परिचय हो जाए तो लाखों किसी के भी साथ में कुछ असत्य के साथ में काम किया क्यों ना किया हो, उनका जो नमक खाया उसका काम कर दिया, उसके बाद में धर्म के प्रति समर्पित हो गई लंकिनी और हनुमान जी महाराज को रास्ता बता दिया कि जाइए आप देख लीजिए अंदर जो भी है। और जो राम काज के लिए निकल जाता है, जो ईश्वर काम के लिए निकल जाता है, उसके सब काम सुगम हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में निष्काम कर्म योग का सिद्धांत दिया है, यहाँ पे राम काज का सिद्धांत दिया है कि आप राम काज कीजिए। राम का काज का मतलब है ईश्वर का कार्य, समाज का कार्य, राष्ट्र का कार्य, धर्म का कार्य, धर्म का अर्थात नियमों का कार्य, नियमों की रक्षा करना ही धर्म की रक्षा करना है और सनातन के नियमों को ही धर्म कहा गया है। गर्व होता है सनातन संस्कृति पर, मगर दुख इस बात का होता है कि हमें उस ज्ञान तक पहुंचने ही नहीं दिया। आज हर घर में नरक बना है, मूल कारण है सत्य सनातन वैदिक धर्म का ज्ञान न होना। और देखो हनुमान जी महाराज जाते हैं, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खूट के समान हो जाती है, मगर मुकाबला सत्य से होना चाहिए। सत्य के पक्ष में खड़े व्यक्ति के सामने कोई असुर नहीं टिक सकता, भले ही कुछ समय के लिए वो राजी हो जाए और कितनी भी आग हैं उसमें शीतलता आ जाती है। और सत्य का चरण करने वाले के लिए एक दो पंक्ति में कहना चाहूंगा, चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़े, चाहे काटो पर मुझे चलना पड़े, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और यार तुम्हारे हाथों में। तो सत्य की संगत के लिए लंकिनी का दृष्टांत था, कल इसके आगे और भी करने की कोशिश करूँगा। आपको हमारी बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि हम बार बार ये कुछ लाने वाले हैं, समाज के अंदर कुछ करना चाह रहे हैं, तो आप सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है, आपका मोटिवेशन ज़रूरी है। आप कमेंट्स में भी हमें मोटिवेट कर सकते हैं। धर्म इकट्ठा करना हमारा उद्देश्य नहीं है, माया इकट्ठा करना हमारा उद्देश्य नहीं है, माया सिर्फ इतनी चाहिए कि घर चल जाए, बस काफ़ी हो गया। हम धर्म के नियमों को मानना चाह रहे हैं, उसके अनुसार चलना चाह रहे हैं। समाज के प्रत्येक गांव में कुछ धर्म का ध्वज होना चाहिए। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।